हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 संस्कृत की, और सोमवार को जो भी आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है संस्कृत का कक्षा 10 का, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। यह सब्जेक्टिव वीडियो है, इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव अपलोड कर रखा है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहीं पर आप लोग को ओरिजिनल पेपर मिलेगा। साथ ही सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में आप लोग को इसी चैनल पर सारा पेपर सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। आप लोग जो ये पेपर देख रहे हैं वो 100% ओरिजिनल पेपर है, यहीं से आप लोग का सारा पेपर मैच करने वाला है। तो चलिए अब यहाँ से पिछले वीडियो में तो चूंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देख रखा है, तो इस वीडियो में हम लोग सीधे चलेंगे सब्जेक्टिव की ओर। यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है, समूह व विषयनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ, छात्र जीवनम निर्णान सर्वांगीण विकासार्थ अति महत्वपूर्ण भवति, सकल समृद्धि यात्रा है विद्यालय प्रकाश अस्मिन छात्र जीवन एवं सुलभोस भवति, छात्र जीवनम सदाचारस्य संयम नियमम पालनस्य महिमा गरिमाना वर्तते, सफल छात्र जीवनम मानवीयतः विकास क्रमे प्रथम सोपानम सर्वशः महापुरुषानम व छात्र जीवनम तेषा व्यक्ति निर्माणे महत्वपूर्ण आस्ति। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे एक पदेन उत्तर देना है, जिसे यहाँ पे कम है, विद्यालय प्रकाश कस्मिन जीवने सुलभ भवति। इसके आंसर आप लोग को आगे मिलेगा, कस्य पालना छात्र जीवन गरियाना वर्तते। तो इसका भी आप लोग का आंसर आगे मिल जाएगा। पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, निर्णय छात्र जीवने किमर्थ महत्वपूर्ण भवति, और ख नंबर में है, मानवताया विकास क्रमे प्रथम सोपान किम, और इसका तीसरा नंबर है, अस्म गद्यांश स समुचित शीर्षक लिखित। यानी कि यहाँ पे सारा क्वेश्चन का आप लोग को यहाँ पे आगे आप लोग को आंसर मिलने वाला है। दूसरा नंबर यहाँ पे है, वो भी आपको गद्यांश है, उसको भी पढ़ कर करके उसके बाद आंसर करना है। तो दूसरा नंबर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, गद्यांश जो लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर आप लोग को आगे मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे क नंबर का आंसर आपको मिलेगा, पटना के मुख्य दार्शनिक स्थलों का नाम उल्लेख करें। दूसरा है, पाटलिपुत्र के शिक्षा का केंद्र क्यों कहा गया है। और तीसरा है, अलस कथा के सुखों का मूल किसे कहा गया है। चौथा है, मंगलम पाठ के अनुसार जीव एवं आत्मा के संबंध में क्या कहा गया है। उसके बाद आप लोग को 6 नंबर का मिलेगा, विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की स्थिति क्या थी। उसके बाद है, विष्णु पुराण के अनुसार भारत देश की विशेषता क्या है, उसके बाद पंडित किसे कहा जाता है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर है, अधोलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से किसी 2 का आपको आंसर देना है। उसके बाद पाँचवा नंबर अगर बात करिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 पंक्तियों में अनुच्छेद लिखे, यानी कि यहाँ पर जो है अनुच्छेद लिखना है, तो 7 इनमें से किसी भी एक पर जो है 7 लाइन में आपको लिख लेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को अस्माक विद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ख पे यहाँ पे आप लोग को दिया है। उसके बाद यहाँ पर है, अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का पूर्ण संस्कृत में लिखे, अनुवाद संस्कृत में करिए। तो 6 आपका पहला से लेकर के 6ठा तक, जैसे राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए थे, उसका आंसर मिलेगा। प्रियांशु शहर से घी लाता है, उसका आंसर मिलेगा। जल में मगरमच्छ रहता है, उसका आंसर मिलेगा। वह पटकर घूमने चला जाता है, इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है, भारतवर्ष देवों की भूमि है, तो इसका भी आंसर मिलेगा। 4 भाइयों में राम सबसे बड़े थे, तो इसका भी आप लोग का आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, समूह ब का आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। आप लोग यहाँ से एक एक कर करके आराम से रोक रोक करके वीडियो को लिख सकते हैं। ये यहाँ पर दूसरा का जो है वो आपका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ तीसरा का क का आपका आंसर ये है, आप लोग को आराम आराम से लिख लेना है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, यहाँ पे तीसरा के ख का मिलेगा आप लोग का, यहाँ पे तीसरा का ख आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद आप लोग का यहाँ तीसरा का ग है, तीसरा का ग आप लोग को लिख लेना है। और यहाँ पे आप लोग को तीसरा का घ मिलेगा, तो ये घ आपको लिख लेना है। उसके बाद आगे है, तीसरा का च यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, इसको आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद तीसरा का ठ मिलेगा आप लोग को, यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद तीसरा का ड मिलेगा आप लोग को, ये लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे चौथा का ख मिलेगा आप लोग को, ये लिख लेना है पूरा अच्छे से।
उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को ट्रांसलेशन वाला मिल जाएगा। पहला है राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए तो इसका आप लोग को आंसर मिल गया। उसके बाद यहाँ पर है प्रियांशु शहर से घी लाता है, तो इसका यहाँ पे एक खाली यहाँ पे आकार बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पे गलती है थोड़ा सा, बाकी यहाँ पे सेम टू सेम उतार लेना है। उसके बाद है जल में मगरमच्छ रहते हैं, तो उसका आप लोग का आंसर ये हो गया। अगला यहाँ पर है वह पटकट के घूमने चला जाता है, तो उसका आंसर आप लोग का ये हो गया। उसके बाद भारतवर्ष देवों की भूमि है, तो इसका आंसर आप लोग को ये हो गया। और चार भाइयों में राम सबसे बड़े थे, तो उसका आंसर आप लोग का ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।